ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः राधा करावचित वल्लभ वल्लरी के राधा पदांक विलस मधुर स्तनी के राधा जस मुखम हस्तांगवली के राधा बिहार विपिने रमतांग मनो में बल श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्री धाम ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते अभी जिस स्थान पर उपस्थित हुए हैं, इसका नाम खदीर वन है, खैरा भी नाम है। और यहाँ पर बहुत बहुत सारे भगवान की दिव्य अप्राकृत लीला हुई और उनका भक्तों का भी लीला है। ये स्थान का नाम खदीर मतलब होता है, इसका बहुत सारे कारण गुरुदेव बताए थे। पहला कारण है, कृष्ण जब छठीगरा से सर्वप्रथम उन्होंने बछड़ा चराना शुरू की, बछड़ा चराते चराते कृष्ण यहीं पर आए और यहीं पर कंस ने भेज दिया बकासुर को। वो विशाल जैसे किसी पर्वत का जैसे पंख काट देने पर जैसे पंख गिर जाए ऐसे ही लगता था दूर से। इतने में जब वहां पर कृष्ण आए, इतने में बकासुर ने कृष्ण को निगल गया, खा गया, बगुला के रूप में था। जब उन्होंने खा लिए, इसलिए सखाओं ने बोले, अरे हमारा कन्हैया को खा गयो रे, इसलिए भी ये स्थान का नाम खायोरी। लेकिन जब कृष्ण को उन्होंने निगल गया, खा गया, जब उनको निगल गया, इतने में कृष्ण अंदर में जा करके अपना शरीर को जैसे लोहे को गर्म करने पर है, जैसे गर्म हो जाता है, ऐसे उसको लगा जैसे किसने हमने लोहे जैसे खा लिया। यहाँ पर बताए भक्त और भगवान में यही फर्क है। जब भगवान को कोई भक्त अपना हृदय में धारण करते हैं, वो तो प्रेम में गदगद हो जाता है। लेकिन जो कोई दुष्ट जब भगवान को हृदय में धारण करता है, जैसे लोहे को जैसे गर्म करने पर होता है, उन्होंने इतने में उन्होंने उल्टी कर दिया। फिर जब कृष्ण को खाने के लिए गया, कृष्ण उसको दोनों चोंच को पकड़े और उन्हें चीर दिया। इसलिए ये और एक गांव है जहां पर उन्हें चीर दिया, वो गांव का नाम पड़ेगा चिल्ली। यहीं पर कृष्ण बकासुर को वध किया था। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, जो बकासुर है ये कपट का प्रतीक है। आप देखना, जब बगुला बैठता है एक प्यार में खड़ा रहता है, जैसे दूर से लगेगा ये बहुत बड़े कोई योगी तपस्वी। इसलिए राम लक्ष्मण जब जा रहे थे, इतने में राम ने कहा, लक्ष्मण देखो ये बगुला कैसे एक प्यार में कैसे खड़ा हुआ, जैसे बहुत बड़े के योगी है। इतने में लक्ष्मण गुरु तत्व है ना, बोले प्रभु जी ये कितना बड़ा योगी, अगर ये मछलियों को पूछोगे ना, ये मछली सारी बात बता देगी, क्योंकि वो चुपचाप बैठता है, मछली को पता नहीं चल पड़े यहाँ पर कोई बगुला, और आते ही वो झट उसको निगल लेता है। इसलिए ये कपटता प्रतीक है। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं भगवान को भक्ति करने के लिए, कहते अंतर बाहिर सम व्यवहार अमानी मान दहाब। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं भगवान को भक्ति करने के लिए ये कपटता को परित्याग करना पड़ेगा। इसलिए भगवान राम भी कहते हैं, छल कपट मोहे नहीं शोभा। इसलिए छल कपट मेरे को अच्छा नहीं लगता है, बाहर और भीतर हमें दोनों एक होनी चाहिए। ये लीला यहाँ पर हुई, इसलिए खायोरी। गुरुदेव कहते थे यहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर जो पान के अंदर है उसको क्या बोलते हैं, कथा।
कथा, यहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर कथा के पेड़ हुआ करता था, जिसको पान में राधा रानी बड़े सुंदर पान का बिड़िया में वो कथा दे करके जब पान खाओ ना घोट एकदम लाल बढ़िया हो जाता है। इसलिए राधा रानी सुंदर कथे को दे करके सुंदर पान की बिड़िया दे करके कन्या को खिलाया करते थे। और यहाँ पर गुरुदेव कहते थे बड़े सुंदर सुंदर खजूर का फल भी होता था। कृष्ण जब सखाओं को साथ में गैया चराने आते थे तो खजूर का फल भी खाया करते थे। इसलिए ये बहुत सारे कारणों से ये स्थान का नाम खायोरी बा खदिरा बह नहीं, और उनने बकासुर को ने खदड़ा था मतलब भगाया था, इसलिए भी ये स्थान का नाम है खदिरी बह नहीं। और यहीं पर आसपास में बहुत सारी लीला हुई है। अभी अभी हम आते समय एक स्थान का नाम आजनौक पास में ही पड़ता है। आजनौक मतलब जिस समय एक समय सखियां राधा रानी को श्रृंगार कर रही थी, सारे श्रृंगार हो चुका है, इतने में कृष्ण ने बंसरी बजाई। बंसी ध्वनि सुनते ही राधा रानी तो कृष्ण प्रेम में दीवानी बन गई, और बंसी सुनते ही राधा रानी सब छोड़ छाड़ करके यहाँ पर जो आए, इतने में श्याम सुंदर ने देखा राधा रानी का तो सारे श्रृंगार बढ़िया से हुई, लेकिन केवल आंखों में ये काजल अभी बाकी है। तब एक शिला के ऊपर में कृष्ण राधा रानी को बैठा करके उन्होंने आंखों में काजल लगा दी थी। अभी भी वो शिला ऐसे के दिव्य शिला है, उमा दीदी भी गए थे, हम लोग भी गए थे, अभी भी वो शिला के ऊपर में हाथ घिसो ना उससे भी काजल लगा रंग निकलता है। देखो मैंने लेकर के आया वहां से, देखो ये कपड़े से वो पत्थर के ऊपर अभी भी घिसो ना उसका रंग, जैसे काजल लगाते है ना वो काजल जैसे रंग देखो है। इसलिए स्थान का नाम है आजनौक है। और यहाँ पर छत्रवन और उमराव गांव है। छत्रवन उमराव गांव मतलब जिस समय कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन धारण की, 7 दिन तक पूरा ब्रज में हला हो गया। बावारे कृष्ण 7 साल का लड़का 7 दिन तक 7 क्रोश गिरिराज उठाया, पूरा ब्रज में हला हो गया। कृष्ण जैसे बलवान जगत में कोई नहीं, इसलिए जो ब्रज का राजा कौन है, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी ये पूरा जो ब्रज में प्रचार हो गया, इतने में राधा रानी पौर्णमासी को पास में गई, बोले पौर्णमासी में क्या सुन रहे हो, बोले क्या सुन रहे हो, बोले सारा दुनिया में कन्हैया की जय जयकार हो रही है, सारा दुनिया कहते कृष्ण ब्रज का राजा कृष्ण है, लेकिन सारा दुनिया सबके सब जानते हैं मैं राधा रानी, कृष्ण को राजा कोई नहीं कहते, राधा रानी हाँ, इसलिए वृंदावन सॉरी हाँ रासेश्वरी, इसलिए सारा दुनिया मेरे को रासेश्वरी वृंदावनेश्वरी राधा रानी कहते हैं, लेकिन सारा दुनिया में ये कृष्ण कैसे राजा बन जाएंगे, बोले ऐसे नहीं हो सकता पौर्णवासी बोले, बोले हम कृष्ण को आक्रमण करेंगे और बंदी बनाएंगे कृष्ण को, बोले ठीक है बंदी बनाओ छक्का छुड़ा देंगे। यहीं पर आकर के राधा रानी को राधा रानी को सिंहासन के ऊपर बैठा दिया, और कृष्ण सखाओं को साथ में गोचारण कर रहे थे, और जितने सखिया हाँ राधा रानी को बैठा करके और किसको मंत्री किसको अलग अलग पोस्ट दे दिया, बोले जाओ कृष्ण को बंदी बना करके लाओ। सारे सखियों ने कृष्ण सखाओं के ऊपर आक्रमण की, और आक्रमण करके कृष्ण को बंदी बनाया, बोले किस चीज से, बोले फूलों की माला से। भगवान को थोड़ी कोई बंदी बना सकते है, केवल वो प्रेम की भूखे है, फूलों की माला से उनको बंदी बनाए और राधा रानी को पास में ले आए। जब राधा रानी ने देखा श्याम सुंदर को बंदी बना करके ले आए, इतने में राधा रानी शर्मिंदा हो गई। सिंहासन में राधा रानी बैठी हुई थी, सिंहासन से उन्होंने सर गई। फिर श्याम सुंदर राधा रानी को दोनों को सखियों ने सिंहासन में बैठाया, बैठा करके उनको जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन सुंदर रूप उनका आरती की। और कृष्ण स्वयं राधा रानी को अपना हाथों से अभिषिक्त अभिषेक किया, और राधा रानी का सर के ऊपर में कृष्ण छत्र धारण की, इसलिए उस स्थान का नाम है छत्रवन और उसका नाम है उमराव गांव। उमराव मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम बिजवारी। बिजवारी मतलब जिस समय कृष्ण ब्रज छोड़ करके मथुरा जा रहे थे, कृष्ण तो किसी तरह से ब्रज गोपियों को समझाए, बोले कोई चिंता मत करो आज मैं जा रहा हूँ, कल कंस को उधार करके परसों आ जाऊंगा, इसलिए गांव का नाम है सी परसू, मतलब मैं परसों आ जाऊंगा। इसलिए ब्रज में जितने गांव है ना वो साधारण गांव नहीं, केवल जहां जहां कृष्ण जैसे जैसे लीला की वो लीला अनुरूप सब गांव का नाम है। अभी तो सब गोपियों को समझाया, अभी राधा रानी को कैसे समझाए,
जब थोड़ी दूर गए राधा रानी एकदम मेन रोड के ऊपर में लेट हुई है, कृष्ण को हमें जाने नहीं देंगे, इसलिए राधा रानी के शरीर से जो ज्योति निकल रहा था बिजली जैसे राधा रानी के शरीर चमक रही थी, इसलिए वो गांव का नाम है बिजवारी। राधा रानी को भी बड़े कष्ट से समझा करके श्याम सुंदर यहाँ से गए यहाँ से, इसलिए यहीं पर श्री लोकनाथ दास गोस्वामी का यहाँ पर भजन कुटीरी यहीं पर भजन करते थे। जब श्री नरोत्तम दास ठाकुर उन्होंने हम पहले सुने थे जब श्री चैतन्य महाप्रभु कोई कहते जब चैतन्य महाप्रभु इस जगत से गए तब उन्होंने श्री पद्मा नदी में अपना प्रेम को रख कर गए, बोले मेरा एक भक्त आएगा जिस भक्त को तुम ये प्रेम प्रदान करोगे, बोले हमें पता कैसे चलेगा ये भक्त है, बोले उसका स्नान चरण स्पर्श होते ही अपने आप तुम्हारे पानी उफरने लग जाएगी, तब पता चलेगा वो है श्री नरोत्तम दास ठाकुर। जब नरोत्तम दास ठाकुर आए उनका स्पर्श से ही स्नान से ही पद्मा नदी का पानी अपने आप उफरने लग गया कृष्ण प्रेम में, तब उनको पता चला यही श्री नरोत्तम दास ठाकुर, उन्होंने वहीं पर उन्होंने उनको प्रेम प्रदान की। और नरोत्तम दास ठाकुर साधारण घर के बच्चे नहीं, वो राजा घर के बच्चे थे। जिस समय नरोत्तम दास ठाकुर महाप्रभु से मिलने के लिए आ रहे थे, आते समय रास्ता में सुनते सुनते आ रहे थे, महाप्रभु अंतर ध्यान हो गए, रूप गोस्वामी अंतर ध्यान हो गए, एक एक कर गोस्वामी अंतर ध्यान होते जा रहे परिकर, और नरोत्तम दास ठाकुर प्रेम में विकल होकर के प्रेम में दुखी होकर के आते आते उन्होंने जो भजन गाए उसका नाम है प्रेम भक्ति चंद्रिका, जिस ग्रंथ में ये सारे भजन को वहां पर उन्होंने एकत्रित की गई। वो जो भजन गाते हैं ना, पाषाणे कोटे व माथा अनले पसीब गौरांग गुने रानी को था गेले पा, मतलब अगर महाप्रभु को विरह में हम ये शरीर को हम फोड़ देंगे और आग में प्रवेश कर जाएंगे, महाप्रभु का विरह में ये शरीर को हम धारण नहीं करेंगे। गौरंग बोले ते हवे पुलका शरीर हरि हरि बोले ते ना यानी बवेली, ये सब भजन जब आ रहे थे इस भजन को गाते गाते महाप्रभु का विरह में भक्त विरह में रो रो करके भजन को नरोत्तम दास ठाकुर गा रहे थे। और उन्होंने जब ब्रज में आए आकर के बगैर गुरुगत भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती, इसलिए गुरु ढूंढ रहे थे, हमें कहा सदगुरु की प्राप्ति हो। उन्हें ढूंढते ढूंढते उनको पता चला इसी गांव में जब से लोकनाथ दास गोस्वामी सब कुछ छोड़ करके आए, जो कृष्ण लीला में ये मंजूलाली सखी है, तब उन्होंने ढूंढ रहे थे कहाँ पर हम भजन करें। जब उन्होंने यहीं पर आए उनको बहुत अच्छा लगा, वाह बड़ा सुंदर जो कुंड है ये संगम कुंड, किसका यहाँ पर उमराव गांव छत्रबन चारी तरफ में जाबट कोकिलाबन चारी तरफ में कृष्ण लीला युक्त ये स्थान है, ये स्थान उनको बहुत ही अच्छा लगा। यहीं पर बैठ करके वो भजन करते थे, निर्जन भजन में अकेला भजन कर रहे थे। नरोत्तम दास ठाकुर जब ढूंढ रहे थे हमें कोई सदगुरु की प्राप्ति हो, उनको पता चला एक यहाँ पर बहुत बड़े एक भजन परायण संत है, लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा की थी जीवन में हम कभी शिष्य नहीं बनाएंगे कभी। जब उन्होंने इनको पास में आए और इनको पास में प्रार्थना की, उन्होंने बोले मैंने तो प्रतिज्ञा की हम जिंदगी में गुरु कभी बनूंगा नहीं, शिष्य नहीं बनाऊंगा, लेकिन उनको उनको हृदय में उन्होंने गुरु रूप में ऑलरेडी उन्होंने स्वीकार कर चुके हैं, ये मेरे गुरुपाद पद्म है। जिसको एक बार अपना हृदय में गुरु रूप में हम धारण कर लेते हैं, इसलिए ये नियम नहीं थोड़ी सी इधर उधर हो गया पहले गुरु को छोड़ो, नहीं उन्होंने हृदय में धारण कर लिया, मतलब है उनको गुरु उन्होंने हो गए, इसलिए परित्याग नहीं करनी चाहिए, कुछ स्थिति में बताया परित्याग करनी चाहिए, ऐसे नहीं अपना स्वार्थ में आकर के नहीं गुरु तो अगर थोड़ी शासन कर दिया ना बोले हम से साधारण करके आप रहो आपका मंत्र लो माला लो फला लो, नहीं उन्होंने अपने हृदय में धारण कर लिया तो बोले हमारे गुरुदेव है। अभी वो कह रहे हैं शिष्य नहीं बनाएंगे, अभी वो सोच रहे हैं हम गुरु जी को कैसे संतुष्ट करें, केवल संतुष्ट कर सकते हैं तद विधि प्रणिपात न परिप्रश्न न सेवया, केवल सेवा को द्वारा ही हम उसको संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन वो तो बैराग्य साधु किसी तरह से थोड़ा माधुरी करके भजन करने वाले, अब वो सेवा क्या करेंगे,
लेकिन हम कहते हैं ना गुरुदेव सेवा दो सेवा दो सेवा दो, सेवा मांगने की जरूरत नहीं, सेवा ढूंढ लेनी चाहिए। देखो उन्होंने कौन सा सेवा कहा, राजा की बेटा उन्होंने सेवा उन्होंने प्रार्थना की तो उनको उनको जहां पर पायखाना करते थे बोले केवल एक ही मैं सेवा कर सकता हूँ, यही सेवा ही हो सकती है। उन्होंने पायखाना जहाँ करते थे जहाँ करके उसको कोई घृणा नहीं, उसको उसी स्थान को वो प्रस्ताव करते थे। एक दिन गया दो दिन गया, उन्होंने देखे यहाँ पर पायखाना कर दो जाता ही कहा। उन्होंने देखा रोज आकर देखता हूँ साफ है, कहते मैं किसी की चरण में अपराधी तो नहीं बन रहा हूँ, क्योंकि जब हमारे कोई सेवा करता है ना ऐसे कोई नहीं सेवा करता है, हमसे कुछ लेता है ऐसे कोई सेवा नहीं करता है, इसलिए बोलते मैं तो किसी के चरण में अपराधी नहीं बन रहा हूँ। एक दिन उन्होंने गुप्त रूप में देखा ये नरोत्तम दास ठाकुर जो राजा का बेटा आकर के यहाँ पर सेवा कर रहा है। फिर उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया, बोले तुम ये काम क्यों कर रहे हो? बोले गुरुदेव आपको मैं अपना हृदय में गुरु रूप में हमने धारण कर लिया है, इसलिए अगर आप मेरे को शिष्य रूप में स्वीकार नहीं करोगे मैं तो ये शरीर त्याग दूंगा। फिर उनको सेवा में संतुष्ट होकर के फिर उन्होंने उनको दीक्षा मंत्र प्रदान की। यहीं पर हैं गुरुदेव कहते थे एक समय कोई एक किसान जा रहा था, भजन कर रहे थे माला में, भजन कर रहे थे तो उसने पानी की मांग की तो उन्होंने माला को रख करके उन्होंने उनको पानी पिला दिया। इतने में श्री लोकनाथ दास गोस्वामी बोले बोले जाओ तुम पानी पीना का बड़ी इच्छा। इसमें गुरुदेव दो बात कहते थे, पहला बात कहते थे जब हम हरिनाम करते हैं कभी कभी होता है ना हरिनाम करते समय हम बीच में रख दे और किस कुछ करने लग जाए बीच में छोड़ दे, बोले नहीं। गुरुदेव कहते थे जब हम हरिनाम करते हैं बोले अभिर्नत्वात नाम नामिन, नाम और जो नामी वो एक ही वस्तु है। जब हम हरिनाम करते हैं हरिनाम नहीं साक्षात रूप में ठाकुर जी की हम सेवा कर रहे हैं, हाँ? भगवान अभिन्न रूप में कलियुगे नाम रूपे कृष्ण अवतार, ये स्वयं कृष्ण है हरिनाम नहीं। जैसे तैसे समय पर माला रख दिया जहां तहां करने शुरू कर दिया, नहीं, हरिनाम करते समय ठाकुर जी की सेवा भाव से करनी चाहिए। जब हम इसी नाम को धीरे 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 नाम को करेंगे कद एवं व्रत स्वप्रिय नाम कृत्वा जातानुराग द्रुतचीत उच्चई हसत्यथ रोदति रौदि नृत्यति लोकवाद्य, यही नाम करते करते हृदय से जब अनर्थ दूर हो जाता है नाम स्वयं नामी बन करके प्रकट हो जाते हैं साक्षात कृष्ण बन करके। इसलिए हसत्यथ, हसत्यथ मतलब कभी कभी प्रभु के लीला दर्शन में हंसने लग जाते हैं रोने लग जाते हैं, क्यों? जब भगवान अंतर ध्यान होते हैं रोने लग जाते हैं, कभी नाचने लग जाते हैं, बोले क्यों? बोले नाम स्वयं नामी रूप में उनको दर्शन प्रदान करता है। इसलिए उन्होंने पानी पिलाया तो श्री लोकनाथ दास गोस्वामी बाजी के रूप में बताए, बोले ओ अभी तुम्हारी कर्म में रुचि है, तुम्हारी भगवान का नाम कर रहा था और नाम रख करके एक साधारण किसान को तुमने पानी पिलाना शुरू कर दिया, जाओ लगता है तुमको पानी ज्यादा पिलाने की इच्छा। तो गुरुदेव कहते थे नरोत्तम दास ठाकुर कौन मंजरी, अनुविलास मंजरी और गुरुदेव ये मंजूलाल सखी दोनों सिद्ध महापुरुष, फिर इनकी गलती कैसे हो सकती है? फिर इनका कभी गलती हो ही नहीं सकती है। इसका मतलब है गुरुपाद पद्म चाह रहे हैं, बोले बेटा महाप्रभु का जो भविष्यवाणी पृथ्वी ते आशजत नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार है विमर नाम, एक दिन ऐसे आएगा विश्व ब्रह्मांड में भगवान का महाप्रभु का वाणी प्रचार होगा। और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं एक दिन ऐसा आएगा काले और गोरे दोनों व्यक्ति एक साथ में मिलकर के निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। इसलिए गुरुदेव उनको जहाँ बोले पानी पिलाओगे ना, बोले कृष्ण किस चीज की पानी, बोले कृष्ण प्रेम की पानी पिलाओ तुम। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर भेजे, उन्होंने मणिपुर में गए और संपूर्ण मणिपुर को उन्होंने परिवर्तन कर दिया है। अभी भी वहां पर चिन्ह है गले में कंठी माला तिलक, उन्होंने इतने प्रचार किया। इसलिए जो स्थान है सारे भक्त और भगवान की ये लीला भूमि, हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ चरण धूलि साधारण वस्तु नहीं भक्त भगवान की चरण की अभिषिक्त स्थान है। हम यहाँ प्रणाम करेंगे शरीर पर धूल लगाएंगे, एक दिन जैसे हमारा हृदय पवित्र हो और एक दिन प्रभु की लीला रस को हम आस्वादन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो। बांछा कल दुर्भ कृपा सिंधु भाई बच पतिता नंग पावने भो वैष्णवे भो नमो नमः।